Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक एक्टर भी हूँ, सिंगर भी हूँ और डांसर भी हूँ, कोरियोग्राफिंग भी करता हूँ मैं. मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है देवा रॉक्स. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे उस चैनल पर भी जाइए और मेरे वीडियोज देखिए. शॉर्ट मूवी बनाता हूँ मैं, फनी वीडियोज बनाता हूँ, डांस के वीडियो डालता हूँ, काफी सारे वीडियो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट चैनल है वो. तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि मेरे उस चैनल पर भी कभी कभार जाइए, विजिट कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए. अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स. और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, Nowadays, I am teaching you about the emphatic and statements. Okay, friends? I have already uploaded the 3 videos and you have seen. Okay? Today, I am going to teach you about the emphatic and statements part 4. Okay, friends? तो शुरू करते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि emphatic and statements के मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में जोर देकर कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, उसको हम emphatic और statement sentences बोलते हैं. किसी भी सेंटेंस मीन्स इसका मतलब ही होता है, इम्फेटिक और स्टेटमेंट्स का मतलब ही होता है जोरदार सूचक वाक्य, ठीक है फ्रेंड्स. तो यहां पर हम कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख के रखा है कि मेरे मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की, मेरे मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की, ठीक है फ्रेंड्स. तो यहां पर आप ये ध्यान रखना, यहां पर इवन का इस्तेमाल हम करेंगे. तो मेरे मित्रों ने भी, इसके बाद भी आ रहा है, ठीक है. तो हम इसके पहले, ये लिखने से पहले हम इवन का इस्तेमाल करेंगे. इवन माय फ्रेंड, मेरी मदद नहीं की, तो डिड नॉट हेल्प मी. अभी आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि इवन कहां लगाएंगे. अभी आप ये मत बोल देना कि माय फ्रेंड्स डिड नॉट इवन हेल्प मी, ऐसा नहीं. मेरे मित्रों ने भी कहा है, मेरे मित्रों ने के बाद भी है, तो हम इसके पहले ही इवन लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स. भी जिसके बाद आ रहा है, इंग्लिश बनाते वक्त इंग्लिश में हम उससे पहले, जस्ट पहले ही इवन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, इवन माय फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी. अब यहां पर है, वह मुझसे बोला भी नहीं, मतलब उसने मुझसे बात भी नहीं की, वह मुझसे बोला भी नहीं. यहां पर भी कहां आ रहा है, बोलने के बाद. तो यहां पर भी कहां आ रहा है, बोला के बाद, मीन्स बोलने के बाद, स्पीक के बाद. तो इंग्लिश जब हम बनाएंगे, जब स्पीक लिखेंगे, तो जस्ट स्पीक से पहले ही हम इवन का इस्तेमाल करेंगे. आप ये चीज समझ लो, यहां पर भी का इस्तेमाल कहां किया मैंने, शुरू में किया, क्योंकि मेरे मित्रों ने भी, इसके बाद ही था. तो इंग्लिश में माई फ्रेंड लिखा है तो उसके पहले हम करेंगे. यहां पर बोला भी, तो यहां पर जब हम स्पीक का इंग्लिश लिखेंगे यहां पर, तो उसके पहले हम इवन लिखेंगे. आप देखो, ही डिडंट इवन स्पीक टू मी. यहां पर स्पीक से पहले इवन आ गया, सिंपल. ही डिड नॉट इवन स्पीक टू मी, ठीक है फ्रेंड्स. इसी तरह से आप, वह बोल भी नहीं सकता है, तो यहां पर भी बोलने के बाद भी है, तो यहां पर भी स्पीक के जस्ट पहले ही हम इवन लगाएंगे कि ही कांट इवन स्पीक, ही कांट इवन स्पीक. अब यहां पर भिखारी के भी दिल होते हैं, तो यहां पर भी कहां है, भिखारी के भी, यानी भिखारी के बाद भी का इस्तेमाल हो रहा है. तो हम इंग्लिश में भिखारी से पहले, यानी बेगर से पहले इवन का इस्तेमाल करेंगे. तो इवन पहले के हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भिखारी यहाँ पे सब्जेक्ट है. तो इवन अ बेगर हैज हर्ट, इवन अ बेगर हैज हर्ट, एक भिखारी को भी दिल होता है, ठीक है फ्रेंड्स. अभी यहां पर देखिए आप, उमा गाती है और संजू भी, तो यहां पर थोड़ा अलग है. उमा गाती है और संजू भी, थोड़ा सा अलग है, इसमें इवन का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स. उमा सिंग्स एंड सो डज संजू, मीन्स उमा गाती है और वैसा ही संजू भी करती है, मतलब संजू भी गाती है,
ठीक है फ्रेंड्स, मोहन नेता है और सोहन भी, तो मोहन इज अ लीडर एंड सो इज सोहन। यहां पर आप ध्यान रखिए, इस तरह के सेंटेंस में सो के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, सो के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे जो भी उसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मोहन नेता है और सोहन भी, मोहन इज अ लीडर एंड सो इज सोहन। उषा खेलती है और रेखा भी, उसी तरह से होगा उषा प्लेस एंड सो डज रेखा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप इस सेंटेंस को लीजिए, उमा नहीं गाती है और संजू भी नहीं गाती है, तो उमा डजंट सिंग एंड संजू डजंट सिंग आइदर। यहां पर हम डायरेक्ट लास्ट में, इसमें कुछ भी समझने लायक बात नहीं है, बस थोड़ा सा ये समझना है, सेंटेंस आप जैसा कहते सा बना दो, उमा डजंट सिंग एंड संजू डजंट सिंग आइदर, मीन्स लास्ट में हम आइदर लगा देंगे, ठीक है। मोहन नेता नहीं है और सोहन भी नेता नहीं है, तो मोहन इजंट लीडर एंड सोहन इजंट लीडर आइदर। सिर्फ भाई इधर लगा देना है यहाँ पर लास्ट में, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि उषा खेलती है और रेखा भी, तो उमा नहीं गाती है और संजू भी नहीं गाती है, उसमें सेम जैसा लग रहा है, तो फिर हम उसको अलग कैसे बनाएंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए है, उषा प्लेज एंड सो डज रेखा, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, और जब नेगेटिव आएगा कि उषा नहीं खेलती है और रेखा भी नहीं खेलती है, तो फिर हम इस तरह से बनाएंगे, सेंटेंस जैसा रहेगा वैसा बना देंगे और लास्ट में इधर लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। तो ये था आज का क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।